वन था, व्हाट हैपेंस टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, हाँ बेटा चेक कर देता हूँ, राहुल चेक कर। तो सरफेस टेंशन क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। याद रखने के लिए ऐसा ध्यान रखना, जो छन्नी होती है उसमें क्या होता है, वाटर वाटर यहाँ पे पूरा रहता है, छोटे छोटे होल्स में, पोर्स में। जो छन्नी होती है ना उसका जो पोर्स होती है उसमें क्या होता है, वाटर लगे रहते हैं। जब हम लोग एयर ब्लो करते तब भी नहीं टूटते, लेकिन हीट कर देते तो टूट जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस तो बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब सरफेस बढ़ रहे हैं तो सरफेस टेंशन घट रहे हैं। बिकॉज सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो सरफेस जो है वेरी स्मॉल हो जाएंगे, मिनिमम सरफेस एरिया होगा, लेकिन हीट करने तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है, दैट मीन सरफेस टेंशन घट। नेक्स्ट पॉइंट एक होता है, अच्छा राघवेंद्र, राघवेंद्र आर यू प्रेजेंट? ओके, व्हाट हैपेंस टू, हाँ व्हाट हैपेंस टू सरफेस टेंशन? बेटा ये है सरफेस टेंशन, ऑलवेज टेंशन टेंशन है सरफेस टेंशन। व्हेन इंप्यूरिटीज आर एडेड, पानी में जब इंप्यूरिटीज ऐड कर देंगे वहां पे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। और एक चीज बोला कि फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, ये तुम्हारा बुक में दिया, देखो यहाँ पे, ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट्स एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू टेक ए राउंडेड शेप एट द एजेस व्हिच मेक द एजेस स्मूथ, दिस इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। एक्चुअली क्या, ग्लास जब मेल्ट हो गया उसे सरफेस एरिया बढ़ गई, लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है उसको घटाने का कोशिश करते हैं। जब कोई सरफेस घटेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल नेचर के आ जाएंगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। ये कहां पे होते हैं, ग्लास को जब हीट करते हैं तब उसका सरफेस कप टाइप का हो जाता है। ओके राघवेंद्र, तुमको दोबारा बता देंगे, जस्ट इसको कंप्लीट कर देता हूं फिर दोबारा बताएंगे। इन व्हिच कंडीशन वाटर ड्रॉप्स आर परफेक्टली स्फेरिकल। बेटे दो दो क्वेश्चन दिया, देखो व्हाई फॉलिंग लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, उसके लिए तो बोलोगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। मान लो इस टाइप का क्यूब होता है तो हर डायरेक्शन में इसको फोर्स लगती है, और ये जाके क्या होता है, स्फीयर जैसे बन जाती है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। और इस क्वेश्चन में बोलते हैं इन व्हिच कंडीशन वाटर ड्रॉप्स परफेक्टली स्फेरिकल, दिस इज स्फेरिकल, दिस इज परफेक्टली स्फेरिकल, तो कौन सा, ग्रेविटी फ्री कंडीशन। ग्रेविटी फ्री कंडीशन, ग्रेविटी को हम लोग लैमिनेट करेंगे, ओनली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को रखेंगे तो क्या होगा, वो परफेक्टली स्फेरिकल होगा। व्हाई डज शार्प एज ग्लास बिकम स्मूथ ऑन हीटिंग इट अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन फ्लेम, बिकॉज जब वो मेल्ट होते हैं स्मूथ ऑन हीटिंग अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक्सप्लेन व्हिच प्रॉपर्टीज लिक्विड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेना, तो सरफेस टेंशन होगी। और स्मूथ के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, जो जब भी वो लिक्विड मेल्ट हो जाएंगे, जो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या होता है, राउंडेड शेप कर लेता है, इसीलिए वो क्या होता है, स्मूथ होती है। ओके, नॉर्मल कांच को जैसे काटेंगे तो स्मूथ तो नहीं होता, हम लोग का हाथ पर कट जाते हैं, लेकिन जैसे उसको मेल्ट कर देंगे तो फ्लो होने लग जाएंगे लिक्विड जैसे, और जैसे उसको हम लोग कूल करेंगे वो स्फेरिकल नेचर का होगा, तो एकदम स्मूथ जैसे लग जाते हैं। जैसे कोई कर्वेचर जैसे ऐसा है, उसको स्मूथ करने के लिए हम राउंड करते हैं और ग्लास में अपने आप ही हो जाते हीट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन इट इज हीटेड अप इट्स मेल्ट्स एंड आफ्टर दैट इट्स कॉर्नर्स बिकम स्फेरिकल इन नेचर ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर बेटा, यस और नो? अंकित तुमने आंसर सेंड नहीं किया, अंकित ऋषि कौन सा वाला, बेटा ऋषि कौन सा वाला,
क्वेश्चन नंबर ऋषि, फाइव एंड सिक्स बेटा, ये जो बोलते हैं कि व्हाई फॉलिंग लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, डायग्राम ऐसा बना दोगी, ठीक है। और इस वाले में जब ग्लास को तुमने मेल्ट किया तो लिक्विड हो गया, वो फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही कूल करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम सरफेस एरिया होगा, उसको साइड साइड में जो कर्वेचर्स होते थे, इस टाइप का जो चीज होता था ना, इस टाइप का जो सरफेस में, ये वाला पूरा स्फेरिकल नेचर का आ जाएगा। तो यहां पे हाथ काटने का कोई चांसेस नहीं रहेंगे, ये पूरा स्मूथ हो जाएंगे। तो लिक्विड जब इसे मेल्ट होता है, लिक्विड फ्लो करते हैं, और जब ही कूल कर देते हैं, वो एजेस में स्फेरिकल टाइप के बन जाते हैं शेप। दैट्स व्हाई इट इज बिकम स्मूथ ऑन द कर्वेचर। और एक किसके वजह से होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऋषि, इज इट क्लियर?